हाय फ्रेंड्स, इस हनी और मनी से भरे हुए सीए कोर्स की चर्चा ऑन एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप सीरीज के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आई एम सीए भरत गुप्ता, क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन मई 2018, नाउ वर्किंग विद स्ट्राइकर इंडिया, अ यूएस बेस्ड एमएनसी। I did my articleship from Protivity India in risk advisory domain and pursued my industry training from GPI Textile in corporate governance profile. Friends, मुझे लगता है मेरी अचीवमेंट से ज्यादा मेरी मिस्टेक्स हैं. And even it's a saying that a person learns from its mistake. So क्यों ना आज मेरी मिस्टेक से कुछ सीखा जाए. So today discussion we will be dividing it into two parts. In the first part, I will be sharing the three mistakes I have committed during my CA journey, and in the second part, we will be discussing all about industry of training, and I will also share the list of contact of my friends who had pursued industry of training from various prestigious companies. So, three mistakes of my life. Number one, failing big in getting big four. आपको बड़ी ही सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग बात बताता हूं अपने बारे में। आई गॉट 70% मार्क्स इन इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सम 5 to 7 मार्क्स शॉर्ट ऑफ अ रैंक, बट स्टिल मेरा बिग फोर का सपना सपना ही रह गया। इस दर्दनाक हादसे के कुछ कारण थे। ए, लैक ऑफ गाइडेंस एंड अवेयरनेस अबाउट गुड फर्म्स। इवन दो आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, मुझे पता था भैया मैं निकाल लूंगा। एक ITSM का डर था, वो सबको रहता है, बट स्टिल मैंने वो 2 महीने वेस्ट किए। ना कोई रिसर्च करी, ना कोई दिमाग लगाया, बस टाइम वेस्ट किया। डिले इन अप्लाइंग। अरे आराम से अप्लाई करेंगे यार, अभी क्या हुआ है, अभी ITOP तो पूरी कर लूं। दीज वर माय वर्ड्स व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क्ड मी, हैव यू अप्लाइड फॉर आर्टिकलशिप एनीवेयर, सी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, सोने पे सुहागा। इफ यू गाइस थिंक that marks are enough for getting a good firm, then aap bahut bole ho. Because marks ke saath saath achhi angrezi aur usse zyada usko bolne ka confidence chahiye. Having said all these word, I would like to add one disclaimer that mera khud ka sapna tha ki I want to get into big four, jo pura nahi ho paya, that is why I consider it as a failure. But aisa nahi hai ki big four are the best firm only. There are lot more Indian firm which gives great exposure, and you can learn even better than big four. So it all depends upon your personal intent to learn, to grow, and your choices and how you want to live your life. So main again bol raha hu ki aisa nahi hai ki big four ke ilawa sab bekar hai. Even now you are confused, then you can go and watch our first video where Sujawal has explained all about this thing. My second mistake, focusing on shabab and kebab rather than kitab. नए नए घर से निकले थे, वो भी गुड़गांव जैसी हैपनिंग प्लेस पे। अरे अपनी टेम्पटेशंस को नहीं रोक पाए, बहुत पार्टीज करी, बहुत नाइट आउट मारे, बहुत मस्ती करी। एंड वी मस्ट एंजॉय, वी मस्ट टेक आउट सम टाइम, हैव फन, बट गाइस स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क, स्टडीज एंड मस्ती इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और हमारा तो पूरा बैलेंस ही हिला हुआ था, जिसकी वजह से आई हैव फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ माई सी ए फाइनल एग्जाम्स। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हमारी FR की 90 क्लासेज होती थी, उसमें से हमने मुश्किल से 50 क्लासेज लगाई होंगी, और उसमें भी हम कभी टाइम पे नहीं पहुंचे, और अगर हम पहुंचे तो ये तो हमारे हाल थे। सो गाइज आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मेक a balance. As Ashish Kalar sir used to say that life is all about choices you make. Don't enjoy at the cost of your studies. Masti aur parties ke chakkar mein apne studies ko mat bhul jana. Coming on to my third mistake, meri wali alag hai. Bhai main pehle disclaimer de dun, main pyar ke against nahi hu, aur na hi aisa hai ki koi toota hua dil hai yahan aake badas nikal raha hu. बस मैं आसपास के लोगों से जो ऑब्जर्व करा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि रिलेशनशिप वाले सीए नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, बट मैं आसपास के लोगों से जो ऑब्जर्व करा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यार प्यार करो पर समझदारी से। ड्रॉ ए क्लियर लाइन बिटवीन योर रिलेशनशिप विद गर्लफ्रेंड एंड बुक्स।
किसी के प्यार में इतना भी मत बह जाना, किसी के प्यार में इतना भी मत बह जाना कि ICAI आपसे बेवफा हो जाए। सो गाइज, व्हाट आई वांट टू से, रीच एन अंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर दैट भैया हम इस टाइम पे पढ़ाई करेंगे, इस टाइम पे बात करेंगे। मेक रिलेशनशिप अ फैक्टर इन ईच अदर्स ग्रोथ रादर देन मेकिंग इट अ फैक्टर इन ईच अदर्स फेलियर। अगर आपको और इन चीज़ों पे एडवाइस चाहिए तो देन हमारे चीफ ज्ञान ऑफिसर सुजावल जगह, आप उनसे इन पे जितना मर्जी ज्ञान ले लेना। सो गाइज, दीज वर माई 3 मिस्टेक विच आई हैव कमिटेड, एंड माई ऑब्जेक्टिव टू शेयर विद ऑल इज दैट आप इन गलतियों को कमिट करने से बचें और आप फर्स्ट अटैम्प्ट एक डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकंड पार्ट, ऑल अबाउट इंडस्ट्री ट्रेनिंग। सो we'll be addressing following question: what is industry training, when to pursue it, whether to go for industry training or not, and where one can go for industry training. So what is industry training? Industry training is a scheme by which a student undergo a training under an industrial undertaking, be it a FMCG, banking, investment banking, automobile. So when one can go for it, you can pursue your industry training in last year of your articleship, that is third year of your articleship. Minimum duration of industry training is 9 months and maximum it can go up to 12 months. So now coming on to the pros and cons of industry training. So first, let's talk about pros of industry training. First thing, brand image. So pursuing an industry training from a prestigious company will definitely add on a brand name to your CV, and it will definitely give you an edge over other competitors. Campus and non-campus interviews. When you're going to sit in the campus and non-campus interview, then you will realize that how much this industrial training have helped you in growing, and also your soft skill will get sharpened, and you will be easily able to crack lots of interviews. So this gives an edge over others. Job security. Many of the companies hire you straight away after your industry training. एक साल भैया आपको सिखाने में लगाते हैं, तो after 1 year तो आपको offer तो दे ही देंगे. Most of the companies देती हैं offers. If you become chartered accountant. Financially आप बड़े ही स्टैंड हो जाओगे, क्योंकि आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, अराउंड 20,000 to 25,000 यू विल बी अर्निंग। भैया 20,000 से 25,000 आप कमा रहे होगे इजीली, एंड ज्यूरी आप पेड लीव्स पे जब जाओगे, स्टडी लीव्स पे, तब भी आपको आपका जो स्टाइपेंड है आता रहेगा और आप अच्छी सेविंग्स भी कर सकते हो। कॉरपोरेट इन्वायरमेंट एंड एक्सपोजर। भैया देखो, जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं ना, देन वी सिट ऑन द वी आर ऑडिटर्स, एंड जब हम कंपनी में जाते हैं, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाते हैं, देन हम दूसरी साइड ऑफ द टेबल पे होते हैं, बिकम द ऑडिटीज, तो उसका एक्सपीरियंस और उसका एक्सपोजर अलग ही होता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, डेफिनेटली इफ यू आर गेटिंग इनटू एन इंडस्ट्री तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स तो बनेंगे ही, एंड दोज कॉन्टैक्ट्स कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड जॉब इन योर फ्यूचर। सो डेफिनेटली दीज ऑल थिंग्स आर द एडवांटेजेस इफ यू गोइंग टू परस्यू योर इंडस्ट्री ट्रेनिंग। So coming on to the cons of industry trainings. First thing, exam leaves. Bhaiya, be prepared. You will be getting only 3 months of leaves. You have to prepare yourself accordingly. आपको अपनी studies को accordingly strategize करना होगा. One thing I'll say, जब आपको offer मिल रहा होता है, then you should discuss only at that point of time कि भैया कि मुझे कितने months की leaves मिलेंगी और मैं क्लासेस साथ में ले सकता हूं या नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट स्टिल आई वांट टू शेयर अ फैक्ट कि मोस्ट ऑफ जो मेरे नॉन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री ट्रेनिंग की है, दे हैव स्किप्ड वन अटेम्प्ट। नो डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, बट ऑब्वियस है दे विल गिव यू वन एरिया एंड यू हैव टू गेट एक्सपर्टीज इन टू दैट एरिया ओनली। आपको इंटर डिपार्टमेंट, अगर आप टैक्सेशन में कर रहे हो काम, तो ये नहीं है कि आपको कल को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भेज देंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं रहता।
कल्चरल शिफ्ट, अगर हम एक छोटी सिटी से एक बड़े ही ये छोटी फर्म से एक बड़े इंडस्ट्री में जाते हैं तो बट ऑब्वियस है वहाँ का चार्म, वहाँ का एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करता है, और कई बार हम उस चीज़ों को लेके उससे डेविएट भी, अपनी स्टडी से डेविएट भी हो जाते हैं ड्यू टू बैड लक। ये भी हो सकता है कि ड्यू टू बैड लक आपका, आपको काफ़ी हैवी काम मिल गया और आपको लेट सिटिंग तक बैठना पड़ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और या फिर आपको टीम ऐसी मिल गई कि आप कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे और आपको मतलब मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, तो ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर लक। सो दीज आर द मेजर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंडस्ट्री ट्रेनिंग। नाउ आई थिंक यू कैन ईजिली डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू गो फॉर इंडस्ट्री ट्रेनिंग और नॉट। सो नाउ कमिंग ऑन टू माई नेक्स्ट स्लाइड, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैड परस्यू देयर इंडस्ट्री ट्रेनिंग फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। सो लाइक दे हैव परस्यूड फ्रॉम स्ट्राइकर, पैप्सिको, वन फ्रॉम HUL एंड ही हैज गुड रैंक एज वेल, प्रतीक, वन इज फ्रॉम क्रेडिट, सो इज माधव अरोड़ा, ही वॉज माई कलीग एट प्रोटिविटी एंड विप्रो। सो ऑल दीज आर माई फ्रेंड हु हैड परस्यूड देयर इंडस्ट्री ट्रेनिंग फ्रॉम वेरियस कंपनीज, एंड इफ यू हैव any queries you can contact them through this mail. I have given their mail address, and if you still have any doubts, feel free to reach us on our center mail ID, that is help@articleship@gmail.com. so guys, I hope ki mere is video ke zariye main aap tak kuch practical aspects aur industry training ke jo pros and cons hain aapko batane mein safal hua hu. agar आपके कोई भी क्वेरीज है देन आप प्लीज कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं, और आप अपनी कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर नॉन्स। चीयर्स टीम, एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप। थैंक्स।